चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और यंगरी यंगमैन पवन सिंह को तो भोजपुरी का हर एक दर्शक जानता ही है। अब ये दोनों काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर से भोजपुरी पर्दों पर एक साथ नजर आने वाले हैं। ये दोनों बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म माँ तुझे सलाम का भोजपुरी वर्जन लेके आ रहे हैं। इस फिल्म में निरहुआ का एकदम बेहद नया अवतार के साथ साथ जबरदस्त एक्शन सीन दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। निरहुआ की फिल्म माँ तुझे सलाम की शूटिंग जोर शोर से है। फिल्म की कुछ शूटिंग लंदन के खूबसूरत लोकेशन पर किया गया है। इस फिल्म में निरहुआ का एकदम नया अवतार के साथ साथ जबरदस्त एक्शन सीन भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही रोमांचित करने वाला होगा। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ साथ पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के साथ साथ मधु शर्मा की मुख्य भूमिका नजर आने वाली है। इस फिल्म के निर्माता अभय सिन्हा है। कुछ दिन पहले पवन सिंह और मधु शर्मा की एक फोटो ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा रखी थी। यह फोटो माँ तुझे सलाम का बताया जा रहा था। इस फोटो में पवन सिंह के हाथ में गिटार दिखाई दे रहा था और मधु शर्मा पवन सिंह के गले हुए लगे हुई थी। ये फोटो एक फिल्म के गाने का है। बताया जा रहा था कि ये गाना बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है जो कि एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि निरहुआ और पवन सिंह की यह फिल्म बाकी फिल्मों की जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले निरहुआ और पवन सिंह की भोजपुरी फिल्म एक दूजे के लिए एक साथ नजर आए थे जो भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित रही थी।